हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डबल कलर का डिज़ाइन है और ये बच्चों के स्वेटर पे डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो लेडीज़ कार्डिगन पे भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के स्वेटर पे तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो आइए इसको शुरू करते हैं, कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये 10 फंदों के मल्टीपल का डिज़ाइन है। 8 फंदे इसमें बीच में जो हम कलर ऐड कर रहे हैं इसके हैं और 2 फंदे ये हैं। तो आप कोई भी अट्रैक्टिव से 2 कलर इसमें ऐड कर सकते हैं और इसका स्वेटर बना सकते हैं। और 10 के मल्टीपल में अपने फंदे आप इसमें डाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 32 फंदे डाले हैं और इनका इसको मैंने एक उल्टी सिलाई इसमें डाल दी है। तो अब सीधी साइड से हम इसमें एक उल्टी सिलाई ही डालेंगे। तो इसमें हम सारे फंदे जो हैं फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ करके इनको सबको हम इस तरह से गांठ स्टिच में ही बनाएंगे, उल्टे ही बनाएंगे हम इनको। इस तरीके से धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये सारी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये सिलाई सारी ख़त्म कर ली है। सीधी साइड से ये उल्टी सिलाई है और उल्टी साइड पे मैंने पहले ही सिलाई इसमें डाल दी थी, मैंने जब फंदे इसमें डाले थे। तो अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है उल्टी साइड से स्टार्ट होता है। इसमें हमने सबसे पहले 2 फंदे जो हैं इनको ऐसे उतार लेना है। 2 फंदों को हमने उतार लिया और उसके बाद ये पहले 2 फंदे जो हैं हमने ये नहीं बुनने। और उसके बाद मैं इसमें ये जो हमने दूसरा कलर इसमें ऐड करना है मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, लेकिन इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने 3 बार ऐसे लपेटना है, ऐसे करके 3 बार इसके ऊपर हमने इसको लपेटना है। ये ऐसे 8 फंदे हम इसी तरीके से बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 बार हमने फिर से इसको लपेट लिया। फिर आगे ये तीसरा फंदा है, 2 और ये 3, 3 हो गए हमारे। ये चौथा फंदा, 4 5 6 7 और ये 8। अब ये 8 फंदे मैंने इसमें ऑरेंज कलर के मैंने बना लिए। उसके बाद हम 2 फंदे फ्रेंड्स यहाँ पे उतार देंगे, इनको हमने नहीं बनाना। ये 2 फंदे मैंने यहाँ पे उतार दिए। उसके बाद हम फिर से 8 फंदे इसी तरीके से लपेटेंगे जैसे हमने ये 3 3 करके लपेटे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये 8 फंदे मैंने फिर से यहाँ पे लपेट लिए और ये अगले 2 फंदे हम इनको उतार लेंगे। अब फिर से 8 फंदे हम ऐसे ही फ्रेंड्स आगे लपेटेंगे। इसमें 3 राउंड हमने देने हैं, ये इस तरीके से 3 बार सिलाई के ऊपर से आपने धागा ऐसे लपेटना है, इस तरीके से। और ये 8 फंदे हमारे यहाँ पे भी हो गए। अब ये लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इनको हमने ऐसे ही उतार लेना है। अब आ जाते हैं हम इसकी सीधी सिलाई पे। सीधी सिलाई पे भी क्या करना है फ्रेंड्स, हमने ये जो 2 फंदे हैं हमारे स्टार्टिंग पे जिनको हमने ऐसे उतारा था, बुना नहीं था, अब भी हमने इनको ऐसे उतार लेना है। और ये जो हमारे अगले फंदे हैं इनको हमने इस तरीके से खोल लेना है। ये हमारे जो 8 फंदे हैं आप फ्रेंड देख पा रहे होंगे, तो इनको हमने ऐसे इनको खोल देना है। ये हमने इनको खोल दिया और इनको ऐसे हम सिलाई पे ले लेंगे। 8 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई पे ले लिया। अब हमने इस पे क्या करना है, जो हमारे ये पिछले वाले 4 फंदे हैं इनको हम ऐसे उठाएंगे और जो आगे वाले 4 फंदे हैं फ्रेंड्स इनके ऊपर से हम इनको ऐसे क्रॉस कर देंगे।
ऐसे घटा देंगे, लेकिन फंदों को हमने छोड़ना नहीं है। इनको हमने देखिए इस तरीके से हम इनको क्रॉस कर देंगे और इन फंदों को अब हम इस सिलाई पर लेके इनको सीधा बुन लेंगे। एक एक करके हमने इनको सीधा बुन लेना है, ऐसे करके धागा पीछे रखेंगे और एक एक फंदे को हमने इस तरीके से सीधा बुन लेना है, ऐसे करके सारे फंदों को हमने इस तरीके से इनकी बुनाई कर लेनी है। अब ये देखिए हमने इनको बुन लिया और ऐसे हमने इनको थोड़ा सा खींच लिया, ये अगर आप देख पा रहे होंगे ठीक से तो ये हमने इनको बुन लिया। अब जो अगले वाले दो फंदे हैं फ्रेंड्स, इनको हम ऐसे उतार लेंगे। इनको हमने उतार लिया और जो अगले वाले फंदे हैं जिनको हमने लपेटा था, फिर उसी तरीके से हम इन सारे फंदों को ऐसे सिलाई से निकाल देंगे और इनको हम खोल देंगे। ये हमने इनको खोल दिया, अब हम इनको सिलाई पर डालेंगे। ये हमने इनको सिलाई पर डाल दिया सबको और सेम उसी प्रोसेस से पिछले वाले जो चार फंदे हैं हमारे, इनको हम ऐसे पकड़ेंगे और अगले वाले फंदों, अगले चार फंदों के साथ इनको हम क्रॉस कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इनको क्रॉस कर दिया। अब ये जो फंदे हैं इनको भी इसी सिलाई पर डाल देंगे और इनको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से एक एक करके हमने इनको धागा पीछे रखना है और इनकी बुनाई सीधी साइड को कर देनी है। सीधे फंदे हमने इनको बुन लेना ऐसे करके। ये फ्रेंड्स उल्टी साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है क्योंकि हमने इसमें कलर चेंज करना होता है, तो इसलिए उल्टी साइड से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट होता है। ये देखिए हमारा, ये देखिए कितना अच्छे से इसमें आ रहा है ये। अब अगले दो फंदे जो हैं उनको भी हम उतार लेंगे और जो अगले वाले फंदे हैं सेम उसी तरीके से हम इनको सिलाई से ऐसे निकाल के इनको सबको खोल देंगे। जो हमने तीन तीन राउंड लिए थे उनको खोल देंगे और फिर से इनको सिलाई पर चढ़ा के, ये देखिए इनको ऐसे सिलाई पर चढ़ा के हमने फिर इनको क्रॉस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको क्रॉस कर दिया। अब ये इनको हमने ऐसे बुन लेना है इस तरीके से। दो तीन हो गए हमारे ये फंदे, चार हो गए, पाँच छः सात और ये आठ। अब ये फंदे भी देखिए हमारे कितने अच्छे से बन गए हैं। अब ये दो फंदे हैं इनको भी हम ऐसे उतार लेंगे। अब हमारी ये सीधी साइड से सीधी सिलाई जो है वो ख़त्म होती है। अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स हमने ये सारे फंदे हम अब हम ब्लैक धागे से ही बुनेंगे सारे फंदे और इनको हमने उल्टी सिलाई करनी है। धागा अपनी तरफ रखना है और ऐसे उल्टी सिलाई इसकी बुन लेनी है इस तरीके से। धागा अपनी तरफ रखेंगे और एक एक करके सारे फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है इस तरीके से। तो ये सारी सिलाई फ्रेंड्स हम इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, एंड तक हमने सारा ये उल्टा बुन लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई इसमें ख़त्म कर दी है। अब हम इसकी सीधी साइड पे आ जाते हैं ब्लैक धागे से। तो ब्लैक धागे से एक सिलाई हमने ये भी सारी उल्टी ख़त्म करनी है। जैसे हमने पहले सबसे पहले शुरुआत करी थी उसी तरीके से हम इस सिलाई को भी उल्टा ऐसे बुन लेंगे। इसी तरीके से हम ये सारी सिलाई ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट पे मिलती हूँ। ये फ्रेंड्स हमारी सीधी साइड से ये उल्टी सिलाई भी ख़त्म हो गई। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स हमने फिर वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर हमने ये दो फंदे ऐसे उतार लेने हैं और उसके बाद हम यहाँ पे तीन फंदे जो हैं उनको हम ऐसे ऑरेंज कलर की ऊन से लपेटेंगे। तीन फंदे, एक दो और ये तीन, बस यहाँ पे हमने तीन फंदे लपेटने हैं और अगले जो दो फंदे हैं उनको हमने उतारना है और फिर अगले आठ फंदे हम फिर से लपेटेंगे। एक
ये तीन, चार, पांच, छः, सात और ये आठ। ये आठ फंदे हमने फिर से लपेट लिए और अगले दो फंदे हम उतार लेंगे। उसके बाद फिर से हम आठ फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये आठ। उसके बाद दो फंदे हम उतार लेंगे। आठ लपेट लिए, फिर हम ये तीन फंदे फिर से लपेट लेंगे। एक, दो और ये तीन, और ये दो फंदे हम उतार लेंगे। अब हम इसकी सीधी सिलाई पे आ जाते हैं। उल्टी सिलाई हमने इस तरीके से ख़त्म कर दी, अब सीधी साइड पे आते हैं। अब फ्रेंड सीधी साइड से वही प्रोसेस है, सेम। ये दो फंदे हमने उतार लिए और इन तीन फंदों को हम खोल देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, तीन ही फंदे हैं हमारे पास, तो हम इनको इस तरीके से ले लेंगे, तीनों को इस तरीके से क्रॉस करके। अब हम इसको ऐसे बुन लेंगे तीनों को। ये हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद इन दोनों फंदों को हमने उतार लिया और अगले वाले आठ फंदे हमने फिर से उतार लिए और इनको हमने खोल दिया। इन सबको खोल के ऐसे सिलाई पर लेके और इनको पिछले वाले चार फंदों को ऐसे लेके हमने अगले वाले चार फंदों के साथ क्रॉस करना है। ये हमने चार फंदों को इस तरीके से ले लिया और इनको एक सिलाई पे लेके इनको भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये हमने इस तरीके से इनको भी सीधा बुन लिया। बस फ्रेंड्स, हमने ये सारी सिलाई भी इसी तरीके से ख़त्म करनी है। ये हमारे सारे फंदे यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से आ गए हैं। तो बस अगले फंदों को भी हमने ऐसे ही उतारना है और उसके बाद जो फंदे हैं उनको भी हमने इसी तरीके से उतार के बना लेना। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई भी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। अब हम इसकी उल्टी साइड पर आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे हमने वही सारा धागा, सारी सिलाई जो है ब्लैक की बुननी है और उल्टी बुननी है हमने। तो ऐसे हमने सारी सिलाई धागा अपनी तरफ रखना है और सारे ही फंदे हमने यहाँ पे ब्लैक के बुनने हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे टाइट कर लें ताकि ये लूज ना रहे। इस तरीके से हमने ये सारी ही सिलाई उल्टी बुन लेनी है। अब फ्रेंड्स, उल्टी साइड से भी ख़त्म हो गई है, तो सीधी साइड से भी हम एक सिलाई जैसे हमने नीचे डाली थी उसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये सिलाई ख़त्म करेंगे। इसको भी हम उल्टा ही ऐसे बुनेंगे। इस तरीके से हमने इस सिलाई को भी उल्टा ही बुनना है। अब फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हमारी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो अब हम फिर से इसकी उल्टी साइड पर आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब हमने वही प्रोसेस करना है जो हमने फर्स्ट डिज़ाइन जब स्टार्ट किया था तब हमने शुरू किया था। बस इसी तरीके से हमारी डब्बियाँ बनती जाएंगी। यहाँ पे हमने ये दो फंदे ऐसे उतारने हैं और उसके बाद हमने आठ फंदे यहाँ पे लपेट के लेने हैं। तीन टाइम यहाँ पे सिलाई पे लपेट के इसी तरीके से हमने लेना है। बस इसी तरीके से हमारी जो डब्बियाँ हैं वो बनती जाएंगी। एक बार हम आठ करेंगे स्टार्टिंग से और दूसरी बार हम तीन फंदे लेंगे, तो ऐसे ही हमारी जो डब्बियां हैं वो बनती चली जाएंगी। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। बस ऐसे ये देखिए।
अब ये देखिए 8 हो गए। उसके बाद हम ये दो फंदे उतार लेंगे, फिर से हम 8 फंदे ऐसे लपेट के ले लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये 8। बस फ्रेंड्स इसी तरीके से अगले दो उतार लेने हैं और ऐसे ही हम ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा डिज़ाइन, और कलर के साथ कलर कॉम्बिनेशन भी कितने अच्छे लग रहे हैं। बच्चों को तो ऐसे कलर बहुत पसंद आते हैं, तो आप भी फ्रेंड्स ये ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू।